देवास शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों का मिलना जारी है। शहर के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हर दिन कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। वहीं शनिवार को कोरोना हेल्थ बुलेटिन में 10 लोगों की रिपोर्ट एक साथ कोरोना पॉजिटिव आई है। अब तक देवास शहर में 470 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो प्रशासन ने 2 लोगों की मौत होना ही बताया है। अब तक 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और अभी देवास शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 52 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल 448 सैंपल लिए गए थे और टेस्ट रिपोर्ट हमारी 553 की आई है, उसमें 10 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 533 पेशेंट्स जो है ना हमारे नेगेटिव पाए गए हैं। देवास जिला द्वारा अभी तक 20,957 मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 20,526 मरीज नेगेटिव पाए गए हैं। टोटल अभी तक हमारे 470 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है देवास ज़िले में यहाँ पर स्वस्थ होकर के मरीज घर जा चुके हैं, इसकी संख्या 431 है। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है प्रदेश में, ये करीब 86.3% पड़ता है और डेथ रेट भी कम है। इस तरह से कहा जाए कि जो अनलॉक पीरियड के बाद जो लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, उसके बावजूद निश्चित रूप से पॉजिटिव केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर कि जो है ना कोई विस्फोटक जैसी स्थिति कही जा सके। आम जनता को यह सलाह दी जाती है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगा करके रहें, सैनिटाइजेशन, हाथ को बार बार हाथ को पानी साबुन से धोएं और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें, जिससे कि हम संक्रमण से बचे रह सकते हैं। टोटल अभी तक हमारे यहाँ पर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत 2 केस जो हमने कल डिक्लेयर किए हैं, ये इंदौर ज़िले में इनकी मौत हुई है, एक अपोलो हॉस्पिटल में है, अरविंदो हॉस्पिटल से है, क्योंकि वहाँ से रिपोर्टिंग देर से होती है। हमने कल वहाँ का व्यक्तिगत रूप से इंदौर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा की और उनसे कहा है कि जो देवास जिले की डेथ हुई हैं उनकी हमें लाइन लिस्टिंग दे दें, जिससे कि हम उनको अपने यहाँ के उसमें रिकॉर्ड में सम्मिलित कर सकें और उनका डेथ ऑडिट कर सकें। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।